वैसे ये इत्तेफाक ही है कि जिस समय उदयपुर में ये घटना हुई उस समय प्रधानमंत्री यूएई में थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी से लौटते वक्त एक घंटे के लिए यूएई की राजधानी अबू धाबी में रुके और इस दौरान यूएई के मौजूदा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया और इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। यूएई वही देश है जिसने पिछले दिनों नुपुर शर्मा के मामले में भारत के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी और अब भारत में ये मुद्दा काफी बड़ा होता जा रहा है। इसलिए आज हमारा उन तमाम मुस्लिम देशों से भी ये सवाल है कि क्या वो उदयपुर में हुई उस घटना का उसी तरह से विरोध करेंगे जैसे उन्होंने नुपुर शर्मा के मामले में भारत का विरोध किया था। आज आपको ये भी समझना चाहिए कि यूएई और भारत ये दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। चीन और अमेरिका के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है जबकि यूएई के लिए भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2019-20 में दोनों देशों के बीच 4,60,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और अमेरिका के बाद भारत सबसे ज्यादा निर्यात यूएई को ही करता है। साल 2019 में भारत ने यूएई को 2,26,000 करोड़ रुपए की वस्तु और सेवाओं का निर्यात किया था। आज यूएई चीनी फल हरी सब्जियां चाय मीट कपड़े केमिकल्स कीमती धातु और पत्थर के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है जबकि भारत कच्चे तेल के लिए यूएई पर निर्भर है। सऊदी अरब और इराक के बाद भारत अपनी जरूरत का 10% कच्चा तेल यूएई से ही खरीदता है। यूएई की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ है जिनमें 35 लाख लोग अकेले भारत से यानी यूएई की कुल आबादी में 35% तो सिर्फ भारतीय है। और बड़ी बात यह है कि 2018 में दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए भारत भेजे थे जिनमें से 1,00,000 करोड़ रुपए अकेले यूएई से ही आए थे। हालांकि यूएई और भारत में एक बहुत बड़ा अंतर है। यूएई एक मुस्लिम राष्ट्र है जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुख की बात यह है कि हमारे देश में आज लोगों को धर्मनिरपेक्ष होने की सजा उनका गला काट कर दी जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में थे जहां उन्होंने G7 समिट में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को खास उपहार भी दिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की गिफ्ट वाली डिप्लोमेसी है जिसमें वो भारतीय संस्कृति और उसकी विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार रखते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को वाराणसी में बना एक खास गुलाबी मीनाकारी ब्रूच और कफलिंग सेट भेंट किया है। यह कफलिंग सेट जो बाइडन के लिए है जबकि इसी
मैचिंग का गुलाबी मीनाकारी ब्रूच फर्स्ट लेडी जिल बाइडन के लिए है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को प्रधानमंत्री मोदी ने जरी जरदोजी बॉक्स में इत्र भेंट किया है, जिसे लखनऊ की पहचान माना जाता है। इस पर हाथ से नक्काशी की गई है और इसके अंदर रखे कपड़े पर फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज के रंग का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का हैंड पेंटेड टी सेट तोहफे में दिया है, जिसकी बाहरी हिस्से पर प्लैटिनम मेटल पेंट का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इस साल अपनी ताजपोशी की प्लैटिनम जुबली भी मना रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को मार्बल से तैयार किया गया टेबल टॉप, कनाडा के प्रधानमंत्री को कश्मीर में हाथ से बुना गया रेशमी कालीन और जापान के प्रधानमंत्री को मिट्टी के बर्तन गिफ्ट किए हैं, जो उत्तर प्रदेश के निजामाबाद की पारंपरिक विरासत को दर्शाते हैं। और इस बर्तन की खास बात यह है कि इसका काला रंग और इसे बनाते समय ये सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें ऑक्सीजन का प्रवेश ना हो, इसी से इन बर्तनों को ये काला रंग मिलता है। इस सूची में कुछ और खास तोहफे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर को मेटल मरोड़ी की नक्काशी वाला मटका भेंट किया है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को राम दरबार, सेनेगल के राष्ट्रपति को सीतापुर की मुंज की टोकरियां और कपास की दरियां, और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ की नंदी थीम वाली डोकरा कलाकृति भेंट की है। इन तोहफों के चयन से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे भारत की हस्तशिल्प कला और हुनर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दिला रहे हैं, और असल में वो भारत की सांस्कृतिक विरासत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।